स्टडी 247 में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री पे बेस्ड हंड्रेड एम काफी इंपॉर्टेंट एम हैं जिसको हमने यहाँ पे कंपाइल किए हैं सो एम हैं और इन सब को हम आपके सामने लाएंगे हमारे तरफ से आप व्यूअर्स के लिए एक टास्क रहेगा जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे ला रहे हैं जितने भी एम आप लोगों को यहाँ पे हम कवर करेंगे उनके जो डिटेल्स हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपको ख़ुद से एक्सप्लोर करने हैं किस तरह से वो आपको खोजने हैं किस एरिया को आपको एक्सप्लोर करने हैं वो हम इस वीडियो में बताते चलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताते चलेंगे उससे आप लोगों को काफ़ी सारी मदद मिलेगी जो हिस्ट्री के सिलेबस हैं वो हमने यहाँ पे एम के फॉर्मेट में कवर किए हुए हैं उसको आप अगर डिटेल एक्सप्लेशन आप खुद से सर्च करोगे उससे जो पूरे हिस्ट्री की सिलेबस है वो ऑलमोस्ट आप लोगों की कवर हो जाएगी और इससे आप लोगों के जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर होंगे और इस एम से अलग कोई भी सवाल अगर बनते हैं कोई भी सवाल आप लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में जो डिटेल एक्सप्लनेशन आप एक्सप्लोर करेंगे सर्च करेंगे खुद से उससे वो सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के तरीके आप लोगों को मिल जाएंगे तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं ये सेशन पहला सवाल है

वो आप लोगों को इनके जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस है वो आप लोगों को खुद से सर्च करने होंगे जिस तरह से इस पे चार ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं किस तरह से एक्सप्लोर आपको करनी है वो मैं बता देता हूँ चार जो नाम है यहाँ पे ये यह आप सर्च कीजिए कहीं पे भी आप लोगों के हार्ड कॉपी से या फिर आप इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं ये जो चार नाम यहाँ पे इंक्लूडेड हैं ऑप्शन में इन चार नामों के इंपॉर्टेंस उन्होंने क्या किए थे क्या उनके इंपॉर्टेंस हैं कौन थे ये सारे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन है द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान उसी तरह से इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करती है उन बॉर्डर्स के नाम और साथ में उनको किन्ों डिमार्केट किया था वो भी आप सर्च कर सकते हैं इससे जो ऐसे टाइप के बाकी सारे सवाल बन सकते हैं एग्जामिनेशन में वो भी आपके कवर होते जाएंगे आगे बढ़ते हैं डू और डाई वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफ इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल हु गेव इट इन्होंने डू और डाई का नारा लगाया था करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए महात्मा गांधी नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता विच वॉज फाउंडेड बाई एस एन बेनर्जी एंड आनंद मोहन बोस इन इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता को फाउंड किया था एसएन एन बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने यह भी एक सवाल बन सकता है किस ईयर में ये जो एसोसिएशन है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ये कौन से ईयर में फॉर्म हुई थी द आंसर इज ऑप्शन बी 1876। इन 1890, द फर्स्ट वुमन ग्रेजुएट ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी एड्रेस द कांग्रेस सेशन वॉज सी वर्मेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म कांग्रेस प्लेटफॉर्म से स्वराज्य या फिर सेल्फ गवर्नमेंट की जो डिमांड थी वो किन्ों ने रेज करी थी ये हुई थी नाइनटीन जीरो फाइव में नाइनटीन जीरो फाइव की यह बात है नाइनटीन जीरो फाइव में और भी कितने इंपॉर्टेंट uh, इवेंट्स हुए थे वो भी आप सर्च कर सकते हैं उससे भी प्रिपरेशन और भी आगे बढ़ेगी इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट पॉलिटिक्स वॉज क्रिटिसल्ड रिटर्न बाई न्यू लैम्स फॉर ओल्ड एक आर्टिकल थी जिसमें मॉडरेट पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करी गई थी 1893-94 के दौरान ये इन्होने लिखी थी आंसर इज ऑप्शन डी और घोष फ्रॉक like अगर हम साल में एक बार चिल्लाए तो उससे हम लोगों को कोई भी सक्सेस नहीं मिलने वाली किन्होंने ये ओपिनियन दी थी द आंसर इज बाल गंगाधर तिलक सम ऑफ द नेटिव to रिफ्यूज टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन टिल द लास्ट मिनट पॉइंट one आउट काफी सारे नेटिव स्टेट्स थे जिन्होंने लास्ट मिनट तक भी इंडियन यूनियन के साथ ज्वाइन करने से रिफ्यूज करी थी इनमें से कौन से इस लिस्ट में मौजूद नहीं है द द आंसर इज राजकोट अहरर मूवमेंट आइडियाज ऑफ ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट पॉलिटिक्स अलीगढ़ स्कूल एंड द बिग एंड नवाबार्स इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने ए बी सी ऑप्शन है इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करने है। इस सवाल में कि जो सही जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव तो इन जो तीन ऑप्शंस में जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे डिक्टेट किए गए हैं सारे सही हैं हरर मूवमेंट के अगेंस्ट में हु वाज मेड द होम मिनिस्टर व्हेन जवाहरलाल नेहरू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था तब होम मिनिस्टर कौन बने थे द आंसर इज सरदार पटेल आप ये सर्च कर सकते हैं कि 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो बाकी जो मिनिस्ट्री थी वो किन्ने ली थी या किन को कौन से मिनिस्ट्री दी गई थी इन पे भी सवाल एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस इन 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ जोड़ने में जो कि 1916 में हुई थी इंपॉर्टेंट रोल किन्होंने निभाई थी द आंसर इज बाल गंगाधर तिलक द रावलाट एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ किनके वाइस रॉयल्टी के दौरान रावलाट एक्ट

जिन्ना ने डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट करी थी वो डेट कौन सी थी आंसर इज ऑफ ऑफ ये जो डे डिलीवरेंस है इसके बारे में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चेक कर सकते हैं कि ये एक्चुअली हुई क्या थी क्या इसकी वजह थी कि कांग्रेस मिनिस्ट्री ने 1939 में ट्वेंटी दिसंबर को पूरी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने रिजाइन करी थी नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस इन

सुभाष चंद्र बोस वॉज अनहैपी विद्रेस रिजोल्यूशन एट रामगढ़ इन मार्च नाइन क्यों सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस रिजोल्यूशन जो कि रामगढ़ में पास हुई थी उनसे ना खुश थे the answer is all of the above. जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सारे उसके रीजन थे हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाई द ब्रिटिश टू प्रोब इन द हंटर कमीशन को क्यों अपॉइंट की गई थी ब्रिटिश द्वारा द आंसर इज टू प्रोब जालिवान वाला बाग ट्रेजेडी ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज इन द लेट सेंचुरी अंडर टू लेट सेंचुरी में यानी नाइनटीन सेंचुरी का जो लेट है उसमें ज्योतिबा फुले के जो सत्य शोधक समाज है उसने क्या किया था द आंसर इज अटैकिंग द कास्ट सिस्टम कास्ट जो सिस्टम प्रिवेल कर रही थी उस दौरान इंडिया में पूरे देश में उसको उन्होंने अपोज किया था उसके खिलाफ सत्यशोधक समाज काम करती थी गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी लॉन्च इन जून 1905 डिड नॉट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग इट्स कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी लॉन्च करी थी जून 1905 में इन गिवन ऑप्शंस में से कौन से उस सोसाइटी के एम नहीं थे आंसर इज स्वदेशी एंड बॉयकट स्वदेशी और बॉयकट जो एम है वो इनमें इंक्लूड नहीं किए गए थे विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एट द टाइम ऑफ मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट की जो स्प्लिट हुई थी कांग्रेस सेशन के सूरत स्प्लिट जो कि फेमस है उस सूरत स्प्लिट के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं क्यों ये हुई थी उस उस टाइम में प्रेसिडेंट कौन थे कौन सी ये कांग्रेस की सेशन थी किस ईयर में हुई थी इस पे आप नजर डाल सकते हैं यहाँ पे सवाल ये है कि उस मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट के दौरान प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे द आंसर इज राजबिहारी बिहारी घोष व्हेन डिड मुस्लिम लीग अडॉप्ट सेल्फ गवर्नमेंट एज वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स सेल्फ गवर्नमेंट को ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के हिसाब में मुस्लिम लीग ने कब अटेन किया था अडॉप्ट किया था द आंसर इज ऑप्शन सी इन द ईयर 1912 ऑन सितंबर 20 1932 महात्मा गांधी बिगन अ फास्ट अनटू डेथ इन यरवाड़ा जेल अगेंस्ट यरवाड़ा जेल में महात्मा गांधी ने सितंबर उन्नीस सौ को एक प्रोटेस्ट जारी करी थी फास्ट वो किसके अगेंस्ट में थी मैकडोनल्ड एट द त्रिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दर थर्टी इन दंथ मार्च सुभाष चंद्र बोस डिपीटेड महात्मा गांधी ऑफिशियल कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंटशिप हुई गांधी के उस सेशन में कौन थे? The answer is, option C, 1940 1940 उसमें क्या करी गई थी? क्या गारंटी दी गई थी ताकि कांग्रेस को कंसीलिएट की जाए? रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक इंडियन बॉडी रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी की सेटअप यहाँ पे गारंटी करी गई थी द कांग्रेस टू ब्रेक अवे बाय लाइक सप्रू जयकर एंड चिंतामणी द सप्रू जयकर और चिंतामणि ने क्या इनमें से इन ऑप्शन करी थी द आंसर इज नेशनल लिबरल एसोसिएशन

आंसर इज विंस्टन चर्चिल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु इनिशियटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया वॉज कि कौन से गवर्नर जनरल ने उनके दो, उनके रूल के दौरान इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में एज अम आंसर इज लॉर्ड बेंटिक क्विट इंडिया मूवमेंट ने वॉज अडोप्टेड बाई द आई एनसी आई एनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट को कहा पे अडोप्ट करी गई थी आंसर इज बॉम्बे किंग जॉर्ज फाइव विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दाइस रोयलिटी ऑफ किंग जॉर्ज फाइव ने इंडिया विजिट करी थी किन के वाइस रोयलिटी के दौरान द आंसर इज लॉर्ड लॉर्ड हार्डिंग एक्ट गेव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर इनमें से कौन से एक्ट ने इंडिया इंडियन लोगों को इंडियन के इंडिया के रिप्रेजेंटेशन को गारंटी करी थी फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर

Two, जलियान वाला बाग में जो एक पब्लिक मीटिंग हुई थी 1919 19, 13th अप्रैल को वो किसके अगेंस्ट में या फिर किसके वजह से हुई थी आंसर इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ पॉपुलर लीडर्स व्हिच फेयर थ्रू अ बॉम्ब एट अ कैरिज दैट दे बिलीव्ड वाज अक्यूपाइड बाय किंग्सफ़र्ड द अनपॉपुलर जज एट मुजफ्फरपुर इनमें से जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से किन्होंने एक कैरेज पे बॉम थ्रो करी थी ये बिलीव कर कि वहां पे किंग्सफोर्ड जो कि एक जज थे मुजफ्फरपुर के वो मौजूद थे द आंसर इज कुदिरम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी इन 1908 एंड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस अपॉइंटेड अ सब कमेटी इन 1928 हुज मेंबर्स इंक्लूडेड अली इमाम टीबी सप्रू एंड एससी बोस हु हेडेड दिस सब कमेटी इस सब कमेटी को ऑल पार्टीज इज मोतीलाल नेहरू रॉय ऑफ इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन फोर्टी मूवमेंट जब स्टार्ट हुई थी 1942 में, तो इंडिया के वाइस रॉय कौन थे आंसर इज लॉर्ड लिनलिथ क्या वॉज द आंसर इज अ मराठी न्यूज पेपर केसरी एक मराठी डेली थी जिसमें जो सारे मूवमेंट्स थे जो सारे न्यूजेस थे वो छापी जाती थी इट वॉज वन ऑफ इट्स आपको ये खोजना है कि केसरी किसने स्टार्ट करी थी और किस ईयर में ये स्टार्ट हुई थी महादेव गोविंद राणा डे वॉज अ मेंबर ऑफ द महादेव गोविंद गोविंद राणा डे गेवन ऑप्शन में से किसके मेंबर थे द आंसर इज प्रार्थना समाज हु गेव वल्लभ भाई पटेल द टाइटल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किन्होंने दिया था ये दिया था महात्मा गांधी जी ने हु सेड कॉर्डिस एंड अहिंसा डू नॉट गो टूगेदर एनी मोर देन वाटर एंड फायर ये जो लाइन है कॉर्डिस एंड अहिंसा डू नॉट गो टुगेदर एनी मोर देन वाटर एंड फायर ये किन्ों कही थी द आंसर इज महात्मा गांधी हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु प्रपोज द चेंज ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू डेली कलकत्ता से दिल्ली में जो कैपिटल शिफ्ट हुई थी इंडिया की वो किनके गवर्नर जनरल के दौरान हुई थी या फिर कौन से गवर्नर जनरल ने ये प्रपोज करी थी द आंसर इज लॉर्ड हार्डिंग हार्डिंग भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद एंड राजगुरु शॉट डेड अ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर हु थॉट वाज भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को शॉट किया था वो उन्होंने क्या सोचा था कि कौन क्या बिलीव कर उन्होंने ये शूट या फिर ये शॉट ली थी द आंसर इज दैट द ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर दैट द शॉट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ लाला लजपत राय रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय ये किन्ने फाउंड करी थी किसने ये फॉर्म करी थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द आंसर इज सर विलियम जोन्स आफ्टर द सूरत स्प्लिट द कांग्रेस सूरत स्प्लिट के बाद कांग्रेस क्या हुई थी क्या कांग्रेस की सिनेरियो थी द आंसर इज वेंट टू द एक्सट्रीमिस्ट जो कांग्रेस की जो कंट्रोल है वो एक्सट्रीमिस्ट के हाथों तो ट्रांसफर हो गई थी मॉडरेट से चेंज होकर ये एक्सट्रीमिस्ट के हाथों तो ट्रांसफर हो गई थी जो कंट्रोल है जो पावर है कांग्रेस की एनी बेसेंट फॉर्मड द होम रूल लीग इन इंडिया बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ होम रूल मूवमेंट इन एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग इंडिया में फॉर्म करी थी वो किस पे बेस्ड थी एक होम रूल मूवमेंट हुई थी एक अलग से देश में वो किस पे बेस्ड थी आयरलैंड मुस्लिम लीडर्स वॉज नॉट वन ऑफ द फाउंडिंग मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि 1906 में में हुई थी, इनमें से कौन इसके founding members में से नहीं है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेन आर्किटेक्ट्स कौन है

वजह क्या थी द आंसर इज एन आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा इन फोर्स द द द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ ऑफ फर्स्ट सेशन कांग्रेस टू टू शिफ्ट इट्स वेन्यू फ्रॉम पूनाइजर्स एक बहुत ही बड़ी आउटब्रेक हुई थी की पुणे में जिसके वजह से जो फर्स्ट सेशन है उसको शिफ्ट करी गई थी पुणे से बॉम्बे में ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल है ये काफी बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और जो फर्स्ट सेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कांग्रेस है जो पहली सेशन है वो किस ईयर में हुई थी कहा हुई थी पहले कहां होने वाली थी क्यों ये शिफ्ट हुई थी और इसके प्रेसिडेंट कौन थे ये सारे सवाल आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं तो इस पे थोरो रिसर्च जरूरी है टाइटल ऑफ नाइटहूड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ पोजिशन इन द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाइटहुड को रिजेक्ट किया और काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पोजिशन को खारिज कर दिया नकार दिया आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले in which of in which one of the following sessions was the Indian National Congress split into moderates and extremists. Moderate or extremists में जो split हुई थी इनमें से कौन से session में हुई थी हमने पहले भी बात करी थी ये हुई थी Surat session में और ये Surat split के नाम से famous है In which of the which of the following leader never became the president of Indian National Congress? In given options में से कौन INC के president कभी नहीं हुए थे The answer is बाल गंगाधर

of the All India Muslim League was established in 1908 under the presidency of 1908 में All India Muslim League जो कि एक लंड एक लंदन ब्रांच वहां पे एस्टेब्लिश हुई थी All India Muslim League की 1908 में वो किस किन के प्रेसिडेंसी के अंडर में हुई थी द आंसर इज अमीर अली who of the following was known as deshbandhu deshbandhu के नाम से किसे जाना जाता था द आंसर इज ऑप्शन बी चित्ररंजन दास Indian National Congress was founded by INC को किन्होंने

द फर्स्ट सत्याग्रही सिलेक्टेड बाय महात्मा गांधी टू लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन अक्टूबर पहले सत्याग्रही सिलेक्ट करी थी महात्मा गांधी ने अक्टूबर भावे ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल दुंदाई ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाई खिदमर्स ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट कॉल्ड फॉर खुदाई खिदम जिनको रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने किसके लिए कॉल करी थी या उनकी एक ऑब्जेक्टिव जो कॉल करी थी वो क्या थी द द आंसर इज पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्क ऑफ महात्मा गांधी प्रोवाइड्स अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्न मशीन ओरिएंटेड सिविलाइजेशन जो मॉडर्न मशीन ओरिएंटेड सिविलाइजेशन है उसको क्रिटिक यानी उसको क्रिटिसाइज करने वाली कौन सी एक काम थी महात्मा गांधी की जो कि इन पे लिस्टेड है। हिंद स्वराज। 1931? 1931 में जो कांग्रेस की सेशन हुई थी कराची सेशन उसमें फंडामेंटल जो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करी थी वो किन्होंने की थी द आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट एफर्ट एट

इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज वल्लभ भाई पटेल बेस्ट ऑफ द टाइटल सरदार सरदार जो टाइटल बिस्टो की गई थी पटेल को वो किन मूवमेंट की वजह से हुई थी किन मूवमेंट में उनकी लीडरशिप की वजह से हुई थी आंसर इज बरदौली सत्याग्रह हुआ हरिजन संघ इनटीन थर्टी टू ऑल इंडिया हरिजन संघ जो की हुई थी 1932 में, उनके फाउंडर कौन थे आंसर इज महात्मा गांधी फॉलोइंगज एसोसिएटेड विदस्ट ऑफर ऑगस्ट ऑफर के बारे में एक और सवाल पहले भी बन चुकी है तो ऑगस्ट ऑफर किसके साथ एसोसिएटेड थी ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च ऑफ नाइनटीन थर्टी गांधी जी वर्क फ्रॉम आश्रम टू डांडी ऑल टुगेदर ही कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल करी थी ड्यूरिंग द सोल्ट मार्च ऑफ नाइनटीन थर्टी द आंसर इज टू फोर्टी वन माइल्स हुउंस द प्रोपोजल ब्रिटिश पार्लिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रपोजल दी गई थी कम्यूनल अवार्ड नाइनटीन थर्टी टू में वो किन्ने दी थी मैकडोनल्ड द डॉक्टर डिजबीडियंस एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी वे आर इन्फ्लुएंसड बाई दर्कस ऑफ महात्मा गांधी ने जो नॉन वायलेंस और सिविल डिजोबीडियंस स्टार्ट करी थी वो किन के द्वारा इन्फ्लुएंस हुई थी

हु वॉज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे किन्हें कहा जाता था आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल द बुक दिस लास्ट विच इंफ्लुस्ड गांधी वॉज ऑथर्ड गांधी को एक बुक से बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए थे गांधी वो बुक किन्होंने लिखी थी द आंसर इज जॉन रस्किन सर्वोदया स्टैंड फॉर सर्वोदया का मतलब क्या होता है सर्वोदया किस पे एम कर रही थी द आंसर इज

सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में उसकी जो वजह थी या फिर एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर थी वो क्या थी द आंसर इज गांधी इरविन पैक्ट द नेम ऑफ द द पीरियडिकल फॉलोइंग दब्लिश बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में रहते टाइम महात्मा गांधी ने जो पब्लिश करी थी इनमें से पीरियडिकल कौन सी है गिवन ऑप्शंस में से वो पीरियडिकल कौन सी है द आंसर इज इंडियन ओपिनियन रोड अनहैप्पी इंडिया अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे द आंसर इज

हु वॉज द मैन टू प्रपोज अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया के मुस्लिम के लिए सेपरेट स्टेट की मांग या फिर प्रपोजल इन्होने पहली बार की थीबाल बाल गंगाधर तिलक वजगीवन दोकमान्य ड्यूरिंग लोकमान्य की जो टाइटल बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी वो किसके दौरान दी गई थी आंसर इज होम रूल मूवमेंट वो ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिस्ड रानी झांसी रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट को किन्होंने ने स्टैब्लिश करी थी आंसर इज सुभाष चंद्र बोस लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग टू प्लेस इन 1940 ओवर बाय मुस्लिम लीग की जो लाहौर सेशन हुई थी 1940 में जो हुई थी उनके प्रेसिडेंट कौन थे उस आर्टिकल को किन्होंने लिखी थी आंसर इज भगत सिंह

Who said imperialism is dead as dodo? Imperialism is dead as dodo. ये किन्हों ने कही थी? The answer is Clement Attlee. Who was known as the frontier Gandhi? Simant Gandhi या फिर frontier Gandhi किन्हें कहा जाता था? The answer is Khan Abdul Ghaffar Khan. The Constituent Assembly of India started functioning from. Constituent Assembly of India कब से work करनी start करी थी? The answer is 26th of January 1947. इन विच ऑफ देल्स डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू इनमें से कौन से जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी अहमदनगर फोर्ट जेल When गांधी जी वॉज अरेड इन सोल्ट सत्याग्रह हुई करी गई थी सोल्ट सत्याग्रह के दौरान तो उनके अरेस्ट के बाद इसी सेम मूवमेंट के जो लीडर थे वो कौन बने थे आंसर इज ऑप्शन बी अब्बास तैफ जी तो ये हंड्रेड क्वेश्चन थे जो हमने कंपाइल करी है और जिस तरह मैंने कहा कि आप लोगों को इन आंसर्स को थोरोली चेक करने हैं उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आप लोगों को खुद से खोजने हैं उससे क्या होगा कि जो हिस्ट्री की प्रिपरेशन है वो काफी हद तक कंप्लीट होगी और अगर आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है आप रिवाइज कर रहे हैं तो ये एक बेस्ट वे है रिवाइज करने का कि अगर कुछ छूटी हो तो उसे आप दूसरी बार रिवाइज कर सकते हैं रीचेक कर सकते हैं और अगर आप लोगों ने कोई भी फैक्ट या फिर कोई भी डिटेल्स अगर आप लोगों ने मिस करी हो तो आप फिर से रिवाइज कर इसे चेक कर सकते हैं क्वेश्चन एम के थ्रू हमने यहाँ पे आप लोगों के सामने जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे पुट करी है और इस पर एक्सप्लेनेशन जब आप खोजोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रिपरेशन है वो कम्प्लीट होती जाएगी आज के सेशन में हम यहाँ पे अपना डिस्कशन कंप्लीट करेंगे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें इससे जब भी हमारे चैनल में नए वीडियोस की अपलोड होगी आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ये भी बताएं कि किस तरह के वीडियोज़ आप लोगों को चाहिए और कैसे टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाएँ उस पर जो टॉपिक्स आप लोग सजेस्ट करेंगे उस पर वीडियोज बनाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे आज के सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं धन्यवाद